हेलो दोस्तों, यहाँ पे KTM RC125 BS6 इंजन के साथ लॉन्च हो चुका है। आज मैं आपको इसका पूरा डिटेल में इसका क्या प्राइस है दिल्ली में, किसकी अगर फाइनेंस कराना चाहते हो तो कितना क्या आएगा आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको BS4 का खाली यहाँ पे एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको BS6 का डिटेल्स बताने वाला हूँ। BS4 का मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना क्या ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों, BS4 का दिल्ली में इसका एक शोरूम प्राइस है 1,48,750 रुपया और दिल्ली में इस BS4 का इसका ऑन रोड प्राइस है 1,64,255 रुपया। तो अभी शुरू करते हैं BS6 का EMI कैलकुलेशन। दोस्तों, KTM RC125 BS6 का एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 1,55,277 रुपया। इसका RTO का खर्चा आ जाएगा 12,422 रुपया। इसका इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 7,744 रुपया। इंश्योरेंस, RTO और एक शोरूम प्राइस मिलाकर दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है 1,75,443 रुपया। अगर आप इसको 36 मंथ यानी 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपका लोन अमाउंट होगा 1,39,749 रुपया। आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 43,117 रुपया और आपकी मंथली EMI होगी 4,473 रुपया। आपकी मंथली EMI होगी 3 साल तक फाइनेंस कराने के बाद टोटल गाड़ी का जो कॉस्ट आ रहा है वो है 2,04,108 रुपये। इस गाड़ी की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ भी बताया दिल्ली से 10% इंटरेस्ट रेट के साथ बताया। दोस्तों, मैं आखिर में आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जब भी आप एक गाड़ी शोरूम में लेते जाओ तो शोरूम वालों से पहले पूछो कि कौन सी फाइनेंस कंपनी वालों से फाइनेंस कराने पर हमें गाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब ऑफर मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। दोस्तों, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे अभी फाइनेंस कंपनी वाले नए नए आए हैं जो अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए कोई कोई 5% दे रहा है, कोई तो 7% 8% में दे रहा है, कोई कोई तो दोस्तों 0% में भी 0% इंटरेस्ट रेट में भी आजकल फाइनेंस करा रहा है। तो अगर आपकी तकदीर अच्छा हो तो अगर आपको ऑफर मिल जाए तो ये गाड़ी की आपके लिए और भी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा है कि इस गाड़ी को 3 साल नहीं 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहता है, यानी 24 मंथ के लिए अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो तो एक बार सुन लीजिए, इस गाड़ी की टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,98,519 रुपया। आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 45,039 रुपया और आपकी मंथली EMI होगी 6,395 रुपये। आपकी मंथली EMI होगी। अगर आप 1 साल के लिए भी फाइनेंस कराना चाहते हो यानी 12 मंथ के लिए, तो टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगी वो है 1,97,049 रुपये। आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट आ जाएगा और आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 50,829 रुपया और मंथली EMI जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा वो है 12,185 रुपया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको कुछ बोलना है, बताना है, कुछ पूछना है तो नीचे जाकर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।